दोस्तों, क्या आपको भी चिंगारी ऐप पर जब आप वाईफाई के कनेक्शन से वीडियो को वॉच करते हैं तो ऐड नहीं आता है? ये प्रॉब्लम मुझे भी आ रही थी। यहाँ पे देखिए, मैंने चिंगारी ऐप को मेल किया है, एड्स नॉट शोइंग प्रॉब्लम। यहाँ पे नीचे देखिए लिखा है कि वीडियो वॉच करने पर ऐड नहीं आ रहा है, प्लीज़ सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ये मैं चिंगारी ऐप को मेल की थी, क्योंकि लिए जब हम वहाँ पे वीडियो वॉच कर रहे थे वाईफाई के कनेक्शन से, तो वहाँ पे ऐड नहीं आ रहा था। अगर ऐड नहीं आएगा तो हमारा जो गाड़ी टोकन है वहाँ पे मुझे ज़्यादा नहीं मिलेगा। मोबाइल डेटा के कनेक्शन से मुझे ऐड मिल रहा था, पर वाईफाई के कनेक्शन से ऐड देखने को नहीं मिल रहा था। ये प्रॉब्लम अगर आप भी फेस कर रहे हो तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है ये लास्ट में मैं आपको बताऊंगी। पहले आपको यहाँ पे मैं प्रूफ देती हूँ कि यहाँ पे मैंने क्या क्या मेल किया है चिंगारी ऐप को, और इन्होंने यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाया। फिर उसके बाद ये मैं कैसे सॉल्व क्यों ये आपको बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे देखिए, इन्होंने मुझसे बोला कि मतलब स्क्रीन शॉट भेजो कि नेट की स्पीड जो है वो आपकी कम है, हो सकती है इस वजह से वहाँ पे ऐड देखने को नहीं मिल रहा है। तो नेट की स्पीड यहाँ पे हम उनको भेजें, उसका स्क्रीन शॉट लेके भेजे हैं। फिर आप यहाँ पे ये सारी मेल नहीं दिखा रहे, क्योंकि यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वगैरह सब दी हूँ तो मुझे एडिट करने में प्रॉब्लम होगा बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम ये वीडियो इनको बना के भेजे, ये बोले कि मुझे प्रॉपर वीडियो बना के दो कि क्या नेट इशू है, कि यहाँ पे आपका जो वीडियो है वो आ रहा है कि नहीं ऐड, वो मुझे आप वीडियो बना के दो। तो हम इनको वीडियो बना के यहाँ पे चिंगारी टीम को यहाँ पे दिए। वो वीडियो क्या है वो चलिए पहले आप वो देखिए, फिर उसके बाद लास्ट में हम आपको बताएंगे कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि चिंगारी टीम भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाई। तो चलिए आप पहले इस वीडियो को देखिए। चिंगारी टीम ने बताया है कि ऐप को अनइंस्टॉल करके और फिर से उसे इंस्टॉल करके लॉगिन करें, तो वो प्रोसेस चलिए हम कर ले रहे हैं। यहाँ पे हम आपको बता दें कि यहाँ पे हम जो लेटेस्ट वर्जन है 4.0.4 वो यूज़ कर रहे हैं, फिर भी ऐड नहीं आ रहा है मेरे वाईफाई के कनेक्शन से। यहाँ पे आप देखिए तो मेरा जो डेटा है मोबाइल का डेटा वो ऑफ है और वाईफाई ही ऑन है और ऐड नहीं आता है। पहले एक वीडियो बना के आपको दे चुके हैं, चलिए हम इसको अब अनइंस्टॉल कर देते हैं और फिर से इंस्टॉल करके जो आपने प्रोसेस बताया है फिर से लॉगिन करेंगे और आपके सामने वाईफाई से ही वीडियो को वॉच करेंगे, देखते हैं कि ऐड आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो हम फिर से अब चले आते हैं अपने प्ले स्टोर पर और इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद हम फिर से लॉगिन हो जाएंगे। चलिए चिंगारी हम सर्च कर लेते हैं और इंस्टॉल कर लेते हैं। अब हम इसे ओपन कर ले रहे हैं, अब नेक्स्ट करके लॉगिन कर लेंगे हम यहाँ पे और फिर देखते हैं वीडियो वॉच करके कि यहाँ पे ऐड जो है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे चले आते हैं, लॉगिन हो जाते हैं। हैंडल है और यहाँ पे हम वीडियो अब वॉच करके देखते हैं कि ऐड आता है कि नहीं आता। वॉल्यूम हम धीमा म्यूट कर दे रहे हैं ताकि आवाज ना आए। अब यहाँ पे आप देखिए तो मेरा जो वाईफाई है वही कनेक्ट है, मोबाइल डेटा नहीं कनेक्ट और हम वीडियो को वॉच कर रहे हैं। वैसे मोबाइल डेटा में अगर हम ऐसे सिर्फ स्क्रॉलिंग भी करते हैं तो भी ऐड आ जाता है। और मोबाइल डेटा में बस ऐसे ही वीडियो स्क्रॉल कर दो तब भी ऐड आ जाता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं।
अब तक जो एड है वो एक बार बीच में आ जाता है, ऐसे ही अगर हम वीडियो सिर्फ स्क्रॉल करके देख रहे हैं तब भी आ जाता है एड। चलिए हम आपको नेट की स्पीड दिखा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग रहा है। स्पीड आपको हम दिखा देते हैं यहाँ पे स्पीड टेस्ट करके। जो मेरा स्पीड टेस्ट है वो आ गया है। अब हम गो पे क्लिक कर देते हैं और आपको यहाँ पे अपनी जो वाईफाई की स्पीड है वो आपको दिखाते हैं। तो ये जो स्पीड आ रही है वो डाउनलोडिंग स्पीड है, और अभी थोड़ी देर में आपको अपलोडिंग स्पीड भी दिखेगा। तो 36.8 डाउनलोडिंग स्पीड है और अपलोडिंग स्पीड है 34.0। तो ये हमारा जो वाईफाई की स्पीड है वो दिखा रहा है यहाँ पर। और यहाँ पे आप देखें तो मेरी जो वाईफाई के कनेक्शन से ऐड नहीं आ रहा है। अभी हम यहाँ पे अपना डेटा का भी कनेक्शन ऑन करेंगे और यहाँ पे भी पहले फिर से चेक कर लें कि एड देखे आता है कि नहीं आता है। अब तक तो ऐड आ जाना चाहिए, पर ऐड देखिए नहीं आ रहा है। अब तक ऐड आ जाना चाहिए, पर चलिए हम अपना अब जो डेटा है उसे वाईफाई को ऑफ करते हैं और मोबाइल डेटा को ऑन कर देते हैं। और उसके बाद अब हम यहाँ पे चिंगारी ऐप को फिर से ओपन कर लेंगे। है और अभी देखिए यहाँ पे हम ऐसे स्क्रॉलिंग भी करेंगे तो एक ऐड आ जाएगा। यहाँ पे देखिए वाईफाई जो है वो ऑफ है। ये देखिए ऐड आ गया है, स्क्रॉलिंग करने के बाद भी एक ऐड मुझको देखने को मिल गया है, वो भी मोबाइल डेटा से। इसी तरह वाईफाई का भी होना चाहिए कि यहाँ पे हमें ऐड देखने को मिलना चाहिए, पर वो नहीं हो रहा है। अब हम आपको चलिए दिखा देते हैं कि जो हमारे मोबाइल डेटा की स्पीड है वो कितनी है। और गो पे हम क्लिक कर लेते हैं।
अब अपलोडिंग स्पीड टेस्ट हो रहा है, डाउनलोडिंग स्पीड जो है वो 9.28 है, और अब अपलोडिंग स्पीड देखते हैं कि वो कितनी है। तो यहाँ पे 1.03 है, ये अपलोडिंग स्पीड है। तो आप देखिए कि यहाँ पे जो वाईफाई के कनेक्शन से ऐड नहीं आया है, और जो कि स्पीड भी बहुत अच्छी थी वाईफाई से, और मोबाइल डेटा का जो स्पीड है वो इतनी कम है, फिर भी यहाँ पे ऐड हमें चिंगारी पे देखने को मिल गया है। इस प्रॉब्लम को आप प्लीज सॉल्व करिए जल्दी से जल्दी। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में देख लिया कि यहाँ पे जो वीडियो पे वाईफाई के कनेक्शन से ऐड नहीं आ रहा था चिंगारी ऐप पर, और मोबाइल के डेटा के कनेक्शन से ऐड आ रहा था। अब चलिए आपको प्रूफ देते हैं कि मेरे वाईफाई के कनेक्शन से अभी ऐड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर आपको बताएंगे कि ये सॉल्व कैसे हुआ है। तो चलिए हम यहाँ पे अपना चिंगारी ऐप ऑन कर लेते हैं, और यहाँ ऊपर आप देखिए, तो यहाँ पे देखिए मेरा वाईफाई ऑन है और मोबाइल डेटा ऑफ है। यहाँ पे हम वॉल्यूम को म्यूट कर दिए हैं ताकि कॉपीराइट ना आए, और यहाँ पे आप देखिए, तो हम आपको अब दिखाते हैं कि एड जो है वो अब आएगा। तो ये देखिए, हमारे वाईफाई के कनेक्शन से भी यहाँ पे ऐड आ गया है। ये प्रॉब्लम आती है, और ये मुझे आई है, मुझे लगता है अगर और किसी को आई है तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बहुत इजी है ये प्रॉब्लम, और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चलिए अब हम आपको बताते हैं कि ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व कैसे की हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे हनी गेन का हम ये इरर मुझे आ रहा था, अनयूजेबल नेटवर्क। मैं हनी गेन भी यूज़ करती हूँ। यहाँ पे देखिए, हनी गेन मैं यूज़ यहाँ पे करती हूँ, और दो तीन ऐप और है उसे भी यूज़ कर रही हूँ, पर अभी इसका वीडियो नहीं बनाए हैं, क्योंकि लिए कुछ है, उसके बाद कंफर्म हो जाएगा तो आपको वीडियो बना के देंगे। हनी गेन पे वीडियो बना चुके हैं, अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, जाइए हनी गेन यूज़ करिए। अब चलिए आपको बताते हैं मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हुआ है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब हम हनी गेन यूज़ कर रहे थे तो वहाँ पे मुझे इरर आ रहा था, अनयूजेबल नेटवर्क। यहाँ पे पता चला कि अपना जो आईपी टाइप होता है तो वो DCH ORG और RSV आईपी टाइप को सपोर्ट नहीं करता है। हमें अपना आईपी टाइप जो है वो चेंज करा लेना है। पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको ये एक वेबसाइट दिख रही है, www.ip2location.com। इस साइट पे आपको जाना है और अपना जो आईपी टाइप है उसे चेक करना है। यहाँ पे जब आप जाएंगे तो ये देखिए आईपी टाइप है, यहाँ पे आप ओपन करके यहाँ पे चेक करेंगे, और उसके बाद आप जब नीचे और आओगे, यहाँ पे देखिए दिखाया हुआ है, यहाँ पे आपका आईपी टाइप जो है यूजर्स टाइप, यहाँ पे आपको अपना यूजर्स टाइप दिख जाएगा। अगर आपका यूजर्स टाइप DCH है तो वो आपका सपोर्ट नहीं करेगा, ना हनी गेन पे सपोर्ट करेगा, ना ही चिंगारी ऐप पे ऐड आएगा। आपको इसका आईपी टाइप चेंज करवाना है, जो आपका जो वाईफाई कनेक्शन जहाँ से आप लिए हो उसको आप बोलो कि हमें जो आईपी टाइप कर दो, ISP आईपी टाइप कर दो। ये हमारा ISP आईपी टाइप वहाँ पे सपोर्ट करता है, हनी गेन को भी सपोर्ट करता है और चिंगारी ऐप को भी सपोर्ट करता है। तो इस प्रॉब्लम का जब हम सॉल्यूशन किए हैं तब जाके मेरा जो चिंगारी ऐप वाला है वो भी सॉल्व हो गया है। तो इस तरीके से आपको भी कर लेना है। यहाँ पे चलिए हम आपको ये जो वेबसाइट है
www.ip2location.com पे कैसे आपको जाके चेक करना है वो आपको चलिए बताते हैं। यहाँ पे चले आना है, यहाँ पे आपको सर्च करना है www.ip2location.com, ये आ जाएगा, इसको ओपन कर लेना है। तो इस तरह की साइट है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको ये एक्सेप्ट कुकी कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे है लुकअप, इस पे क्लिक कर देना है। तो ये देखिए हमने कर दिया है और नीचे हम आएंगे, यहाँ पे आप देखिए यूजर्स टाइप जो है मेरा COM है। आप इस यूजर्स टाइप को अपना चेक कर लेना है कि DCH तो नहीं है, अगर DCH है तो आपको यहाँ पे इस चीज़ को चेंज कर लेना है। जब आप चेंज करवा लोगे यहाँ पे, आप अपना आईपी टाइप DCH हटा के यहाँ पे अपना आईपी टाइप जो है वो ISP कर लोगे, या जो मेरा था कॉमर्शियल वो आप कर लोगे, तब आपका ये जो चिंगारी पे ऐड है वो आना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से हमने भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। आई होप आपको बात समझ में आ गई है कि किस तरीके से ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो आप जाइए अपने जहाँ से वाईफाई कनेक्शन लिया है उससे आप बात करिए और अपना आईपी टाइप यहाँ पे चेक कर लीजिए और चेक करके वहाँ पे चेंज करवा दीजिए, उसके बाद आपका ऐड आना शुरू हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है। अच्छी लगी है आपको तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिएगा और जिन लोग को ये प्रॉब्लम आ रही है उन लोग को ये वीडियो शेयर करिए। और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।